No girl is not in love. She's a Assalamu alaikum students, aaj ke hum is lecture mein padhenge stopwatch ke bare mein, theek hai. अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास है स्टॉप वॉच भी आ जाता है, जो कि हमारे पास वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करने के लिए काम आता है. सही है. अब आप जानते हैं पहले से कि आजकल के दौर में हमारे पास रिस्ट जो वॉच है और वॉल क्लॉक जो घड़ियाल है वो कॉमन हो चुके हैं. ठीक है. रिस्ट वॉच जो आप बाजू में पहनते हैं टाइम देखने के लिए, और जो घड़ियाल होते हैं अक्सर घरों में लगे होते हैं, तो बेसिकली वो आजकल के दौर में बहुत कॉमन है. पीपल जो है टाइम देखने के लिए वो यूज़ करते हैं अक्सर. ठीक है. अब इनकी ये भी जो है हमारे पास स्टॉप वॉच, ये भी टाइम मेजर करने के लिए काम ही आता है, बट इनका जो टास्क है वो स्पेशल है, कुछ डिफरेंट है, उनसे कुछ अलग हटके है. ठीक है. तो आज हम इस स्टॉप वॉच के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. अभी ये जो स्टॉप वॉच है वो बेसिकली अक्सर हमारे पास किसी भी एक्टिविटी में या स्पोर्ट्स में हमारे पास यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. जिस तरह हमारी मैराथन रेस हो गई, और हमारे पास कितने टाइप की रेस होती है, साइकिल रेस होती है. ठीक है. तो इसी हमारे पास स्पोर्ट्स में बेसिकली ये अक्सर यूज़ होती है स्टॉप वॉच, और हमारे पास लेबोरेटरीज में यूज़ होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए. सही है. तो ये जो है हमारे पास है, अब देखें जो आपका रिस्ट वॉच होती है, जो घड़ी होती है आप पहनते हैं अक्सर, उसका जो लीस्ट काउंट होता है, और या घड़ियाल जो होता है घरों में लगा होता है टाइम देखने के लिए, उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 सेकेंड. जो आप मिनिमम उससे टाइम मेजर कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, 1 सेकेंड तक मेजर कर सकते हैं. सही है. अब इसमें देखें, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेकेंड. सॉरी, अभी स्टॉप वॉच हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, दूसरी होती है डिजिटल स्टॉप वॉच. पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे मैकेनिकल स्टॉप वॉच में. सही है. अब इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1/10 सेकेंड्स, मतलब जो सेकंड का जो 10वां पार्ट है वो उससे क्या है, लीस्ट काउंट है. स्टॉप वॉच का कौन सा टाइप का, मैकेनिकल का. सही है. तो अगर हम बस 10 नंबर गुजर जाते हैं, ठीक है, तो वो हम बस 1 सेकंड के बराबर हो जाता है इसमें स्टॉप वॉच में. अब इसकी जो बॉडी होती है वो बेसिकली स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, जो अक्सर हम बनी होती है, और इसमें कुछ वो प्लास्टिक की बनी होती है, बट वो इतनी मतलब स्पेशल उतनी खास नहीं होती, जल्दी ख़राब हो जाती है. ये जो हमारे पास इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के लिए अच्छी होती है स्टेनलेस स्टील. ठीक है. तो हम पढ़ेंगे इसमें, देखें हमारे पास 3 लगे हुए, नंबरिंग हुई है 3 जगह पे. ठीक है. एक ये, दूसरी ये, एंड थर्ड ये. एक तो हमारे पास सेकेंड्स की है, ठीक है, ये वाली. दूसरी हमारे पास मिनट्स की है, ठीक है, और तीसरी हमारे पास नंबर्स की है. ठीक है. जो ये 10 नंबर हैं बेसिकली ये किसके इक्वल है, 1 सेकंड के इक्वल है, क्योंकि हमने पढ़ा कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, ठीक है, वो किस लिस्ट में किसका है, वो मैकेनिकल का है, 10वां हिस्सा 1 सेकंड के बराबर है. ठीक है. अब ये जो होता है हमारे पास पावर बटन होता है. सही है. पावर बटन जो कि बेसिकली स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने, ठीक है, रिसेट करने और स्टॉप करने के लिए काम आता है. सही है. अब जो हमारे पास जो रिस्ट वॉच होती है वो क्लॉक होती है, क्लॉक वॉच होती है. ठीक है. उसको तो हम अपनी मर्जी से ना तो स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही हम स्टॉप कर सकते हैं, ना ही स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. इसको हम अपनी मर्जी से स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं. सही है. अब देखें आपके पास कोई भी ये टाइप का ये पेंडुलम है. ठीक है. लाइक यहाँ पे एक धागा है. ठीक है. कुछ भी यहाँ पे एक पत्थर अटैच है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक मूव कराना चाहते हैं. ठीक है. तो इस ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, ठीक है, ये तो यहाँ से जाने के लिए इसको 1 सेकंड से कम भी लग सकता है. ठीक है. तो इसी पर्पस के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसमें बिल्कुल शॉर्ट टाइम चाहिए. ठीक है. डिस्टेंस कवर करने के लिए. ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका टाइम मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे. ठीक है. कि हम जो अगर वो वाली यूज़ करेंगे, रिस्ट वॉच यूज़ करेंगे जिसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड है, ठीक है, तो वो हमें इतना एक्यूरेट टाइम नहीं दे पाएगा. ठीक है. मेजर नहीं कर पाएगा सही से टाइम. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे. सही है. अब इसकी हम कुछ वर्किंग यहाँ पे देख लेते हैं. ये वाली जो सुई है, ठीक है, अगर ये यहाँ से ये यहाँ पहले तो हम ये ऑफ होगा, इसको हम स्टार्ट करेंगे पावर बटन से, जब ये स्टार्ट होगा. ठीक है. तो ये वाली सुई जो है यहाँ से अगर यहाँ तक 10 नंबर मूव करेगी, ठीक है, ट्रेवल करेगी, उसका मतलब क्या है कि इसने 1 सेकंड
टाइम कवर किया है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसमें जो सेकंड का 10वां ऐसा आता है, ठीक है, ये एक से लेके यहाँ तक 10 नंबर हो गए, मतलब इसने ये वाला 1 सेकंड कवर कर लिया, ठीक है, सही है। अब इतने जब ये जो 60 नंबर्स जो है हमारे पास, सॉरी, ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 नंबर मूव करके ट्रेवल करेगी तो ये हमारे पास 1 सेकंड के बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो है मैकेनिकल का जो लीस्ट काउंट है वो है 1/10 पार्ट ऑफ सेकंड, ठीक है, तो ये 1 सेकंड हो जाएगा। अब इसी तरह जब तो ये वाली जो सुई यहाँ से लेकर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा, ठीक है, तो इसी तरह अगर ये 60 सेकंड ट्रेवल करेगी तो हमारे पास 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है, तो 1 मिनट की सुई हमारे पास ये अंदर इस तरफ बना हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास मिनट्स के लिए हो जाएगा, ये सेकंड्स के लिए हो जाएगा, और ये हो जाएगा नंबर्स के लिए, जो हमारे पास 10 नंबर आ जाते हैं 1 सेकंड में, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये 600 नंबर्स ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास वर्किंग थी मैकेनिकल स्टॉप वॉच की। अब हम आते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच की। इसी का काम बेसिकली इसी की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, ठीक है, और ये जो है इससे ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट देता है ये वाली डिजिटल स्टॉप वॉच, ठीक है। अब इसमें जो देखें, इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1/100 सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, ठीक है, अगर इसको डिवाइड करें तो 0.01 सेकंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो ये होते हैं 4 डिजिट्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये जो होता है हमारे पास नंबर्स के लिए होता है, ये सेकंड्स के लिए होता है, और ये होता है मिनट्स के लिए होता है। अब मैंने अब भी पहले मैं भी इसी तरह था, एक नंबर्स के लिए था, एक था सेकंड्स के लिए, तीसरा था मिनट्स के लिए। अब हमने पढ़ा था कि जो इसमें जो होता है 1/100 पार्ट जो होता है वो बेसिकली 1 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये नंबर्स, अब पहले तो ये होता है ऑन, ये होता है ऑन के लिए, ये ऑन बटन होता है, ठीक है, इससे हम वॉच को ऑन करते हैं, और ये होता है स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए, और ये होता है रिसेट करने के लिए। रिसेट मतलब क्या कि जब हम कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, दोबारा करना चाहते हैं, तो हम रिसेट करके वापस अपने डिजिटल वॉच को 0:00 पे अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे देखें ये जो नंबर्स हैं, अगर ये यहाँ पे 100 नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, मतलब अब तो 100 जब हो जाएंगे तो हम ये हो जाएगा 1 सेकंड के बराबर, तो यहाँ पे 1 सेकंड आ जाएगा, सही है। इसी तरह और नंबर होते जाएंगे, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जब 60 सेकंड्स तक हो जाएगा, ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मिनट के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसी हमारे पास है रेसिंग वगैरह में, स्पोर्ट्स वगैरह में यूज़ होता है, इसका काम भी बिल्कुल सिंपल होता है। बट ये जो होता है हमारे पास डिजिटल जो होता है स्टॉप वॉच, ये हमारे पास मैकेनिकल से ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट देता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जिसकी लीस्ट काउंट बहुत कम होती है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसकी इसमें डिजिटल स्टॉपवॉच की लिस्ट काउंट कम है, तो ये है बस ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट स्टॉपवॉच, थैंक यू।